ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 20। हरे कृष्णा राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 19 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास की एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्र रोपण विधि बताई थी। अब आज इस अध्याय में श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी तिथि के कार्य के संबंध में बताऊंगा। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौस्तुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल यानी पान अर्पित करना चाहिए। पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारियल के पतले छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के वर्क, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शब्रासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरंजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। कामदेव के विभिन्न नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। समस्त उपमानों में सुंदर प्रद्युमन नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, मीन केतन, कंदर्प, अनंग, मनमत, मार, कामात्मम, संभूत, झषकेतु और मन मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित जिनका वक्षस्थल अलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है, हे पुष्पधवन, हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुसमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अग्रु से सुस्वादित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वे अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभे करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्तियां ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी शेष देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी परस्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हुआ बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। यह सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण ही हुआ। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है,
अधिक कहने से क्या लाभ। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। अतः हे भगवान, इसकी की हुई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हुए और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा शेष वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है, केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जाबल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वज, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार शिवकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय संपूर्ण। इस अध्याय के सुनने सुनाने से शिव कृपा और मोक्ष प्राप्त होती है। देखो अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्मों द्वारा अपना मानव जीवन सफल बना लो। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम अधारा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। इसी से हमें प्रेम भक्ति मुक्ति मिल सकती है। अब एक बार जोर से प्रेम से जयकारा लगाओ और बोलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।